हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम टारगेट आप लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी हिंदी ईवीएस तीन सब्जेक्ट की क्लास चलेगी तीन सब्जेक्ट के क्वेश्चन जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है और रहेगा भी जब तक ये बारिश का मौसम रहेगा लेकिन आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे हाँ जितने लोग हैं एक बार लाइक और शेयर करके फिर शेयर कर दीजिए जिससे अभी नोटिफिकेशन गया नहीं है तो सभी लोग आ जाएं चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ठीक है सही क्वेश्चन है परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या है परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या है एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार 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 पूछे जाते हैं चलिए रिप्लाई कीजिए परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या है ऑप्शन कौन सा सही होता है मनोविज्ञान मुखौटा संवेद या ए और सी दोनों तो ऑप्शन देखिए परसोना शब्द किससे बना है पर्सनालिटी ठीक है पर्सनालिटी का उद्भव किससे हुआ है परसोना से हुआ है पर्सनालिटी का उद्भव किससे हुआ है परसोना से हुआ है तो परसोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है बताने बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था ये आप जब से आप सीडीपी शुरू किए हैं पढ़ना तब से सबसे आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया जाता है पर्सनालिटी कि किससे बना है परसोना परसोना कौन सा शब्द है लैटिन शब्द है लैटिन शब्द उसका अर्थ क्या होता है मुखौटा ऑप्शन कौन सा सही होता है ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में सीखने के कितने प्रकार का उल्लेख किया है आंसुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में सीखने के कितने प्रकार का उल्लेख किया है चार छ आठ दो बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए आशुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में सीखने के कितने प्रकार का उल्लेख किया है चार छः आठ दो ऑप्शन कौन सा सही होता है हाँ कौन सा ऑप्शन सही होता है डेविड आशुबेल ने अपने द्वारा प्रतिपादित आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है कौन सा सिद्धांत है इनका आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ठीक है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है डेविड आजुबेल इनके द्वारा दिया गया है सीखने का और कितने प्रकार का उल्लेख किया है इस सिद्धांत में सीखने के चार प्रकार का उल्लेख किया गया है कौन सा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए रिप्लाई सही होती है कितने प्रकार चार प्रकार ठीक है कौन कौन सा रट कर सीखना अर्थपूर्ण सीखना अधिग्रहण सीखना और अन्वेषण सीखना एक दो तो, तीन चार रट कर अर्थपूर्ण अधिग्रहण और अन्वेषण ये चार प्रकार किसके द्वारा डेविड आसुवेल के द्वारा ठीक है कौन सा सिद्धांत है इनका आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दीवा स्वप्न का काल कहा जाता है बताइए रिप्लाई कीजिए दीवा स्वप्न का काल कहा जाता है ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा फिर आंसर अपना लगाइएगा नहीं आ रहा है तो जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और हो सके तो जो कम समझ में आ रहा है छोटा छोटा टॉपिक आप लिख सकते हैं जैसे कि डेविड आसवेल के द्वारा कौन सा सिद्धांत उस कितने प्रकार बताए गए हैं क्या क्या बताया गया है चारों कौन कौन से हैं ये सब आप लिख दीवा स्वप्न का काल कहा जाता है वैसे तो आपके लेवल का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन है किशोरावस्था को दिवा स्वप्न एवं संघर्षों का काल कहा जाता है ऑप्शन सी जितने लोग बताए हैं वैसे मैक्सिमम नाइन्टी परसेंट लोगों की रिप्लाई सही है कौन सा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सही होता है सी क्लियर है किशोरावस्था अच्छा कि स्टैनले हाल ने किशोरावस्था को क्या कहा है ये भी बता दीजिए स्टैनले हाल ने भी कुछ कहा है शायद किशोरावस्था के बारे में रिप्लाई कर दीजिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था किसे किशोरावस्था आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि और विकास आपस में एक दूसरे के फिल इन द ब्लैंक क्या है विपरीत पूरक अधोगामी या ए और बी दोनों बहुत अच्छा बहुत अच्छा तूफान की एज तूफान तनाव काल एकदम सही है हाँ सभी की वैसे स्टैनले हाल बहुत ज़्यादा आप पढ़ चुके हैं और बहुत एग्जाम में आता भी है ठीक है और ये किसी का गलत भी नहीं होगा ये भी पता है चलिए बुद्धि और विकास आपस में एक दूसरे के विपरीत पूरक अधोगामी ए और बी दोनों कौन सा ऑप्शन सही होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए बुद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं ऑप्शन बी रिप्लाई सही हो जाती है ठीक है बुद्धि और विकास एक दूसरे क्या है पूरक हैं क्लियर इसमें टाइम देने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए जिसमें ज़रूरत होगी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया जाएगा जिसमें नहीं ज़रूरत है जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप लोग अब ना बहुत मतलब आपका स्टेज बदल चुका है आप पहले वाले नहीं हैं आप तेज़ हो गए हैं तो जिसके जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की किया जाएगा ठीक है चिंता ना कीजिएगा बालक अनौपचारिक रूप से भाषा कहाँ सीखता है विद्यालय अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखकर आप तुरंत रिप्लाई ना पहले क्वेश्चन देखिए अनौपचारिक रूप से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में अंतर है तो आप बताइए रिप्लाई कीजिए घर विद्यालय बालक अनौपचारिक रूप से भाषा कहाँ से सीखता है ऑप्शन बी कुछ लोग बताए भी हैं और सही भी है बहुत अच्छी बात है कहाँ से सीखता है घर से ठीक है बालक अनौपचारिक रूप से भाषा घर से सीखता है ठीक है लेकिन मूल रूप से बालक विद्यालय में अन्य सभी विषयों को भाषा के माध्यम से सीखता है अब देखिए अनौपचारिक रूप से भाषा बालक कहाँ से सीखता है घर से लेकिन भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को कहाँ सीखता है विद्यालय में अब भाई इतिहास तो घर पढ़ाया नहीं जाएगा लेकिन अगर भाषा सीख लिया और अनौपचारिक रूप से घर पर उसको कुछ शिक्षा मिलती है उसके माध्यम से विद्यालय में अन्य विषयों को सीखता है ठीक है दोनों क्लियर होना चाहिए क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई रिप्लाई कीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई उन्नीस सौ सत्तासी चौरासी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देखिए लागू की गई पूछा जा रहा है लागू की गई जो उन्नीस बता रहे हैं यह क्या किया गया था घोषणा ठीक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई थी उन्नीस में क्लियर जबकि इस योजना की घोषणा कब हुई थी यह उन्नीस के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी ठीक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्नीस सौ के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी इसकी घोषणा और उन्नीस में लागू हो गया था ठीक है क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने लोग हैं एक बार लाइक like कीजिए ना कीजिए लेकिन शेयर कर दीजिए नोटिफिकेशन गया नहीं है इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि शेयर कर दीजिए नोटिफिकेशन जाता है तो सब लोग आ जाते हैं लेकिन अभी गया नहीं तो आप लोगों का कार्य है शेयर करना शेयर कर दीजिए एक बार फिर बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है तो वही <laughs> कौ क्रो एंड क्रो ने बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा कौन सा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी सही होता है क्लियर है ऑप्शन बी मान्टी नहीं नहीं मानतेशरी नहीं भाई बीसी शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है क्रो एंड क्रो ने कहा है ठीक है क्लियर चलिए अच्छा मानतेशरी विधि के संस्थापक कौन है यह भी बता दीजिए हम पूछ रहे हैं आपसे मानतेशरी के संस्थापक कौन है मांटेश्वरी मांटेश्वरी शिक्षण पद्धति के संस्थापक कौन है ये आप जल्दी से बताइएगा ठीक अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया था रिप्लाई कीजिए 15 अगस्त 2000, 26 जनवरी 2016, 16 जनवरी उन्नीस सौ अक्टूबर 1990 तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ 16 जनवरी उन्नीस को किया गया था ठीक है कब 16 जनवरी उन्नीस को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया 16 जनवरी उन्नीस को ऑप्शन कौन सा सही होता है ऑप्शन सी यह हर क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही होता था लेकिन यह क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन फिर भी फिर कभी आए एग्जाम में या कभी हम पूछें तो आप बताइएगा कब 16 जनवरी उन्नीस को यह शुभारम्भ किया गया था ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि हाँ मैडम मारिया मांटेश्वरी मारिया मांटेश्वरी यह मान्टेश्वरी शिक्षण पद्धति के संस्थापक आप बताइए रिप्लाई टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धलब्धि कितनी होती है या होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर ठीक है हाँ अच्छा 90 से 110 के बीच कौन से बालक की बुद्धलब्धि होती है कौन से बालक कहे जाते हैं ये भी बता दीजिए जल्दी से नब्बे से एक ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक चलिए 92110 110 कौन सामान्य बुद्धि लब्धि ठीक है चलिए अच्छा बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है एक आईक्यू का सूत्र होता है आप वो ही बताइए जल्दी से चलिए हम गुड़े 100 लिख दे रहे हैं अब आप अंश बटे हर बता दीजिए किसको अंश में रखें किसको हर में रखें नॉमिनेटर जी नॉमिनेटर किसको किसको रखा जाए जल्दी से बताइए मानसिक शारीरिक सही है बताइएगा सही है कि नहीं चलिए हम ऑप्शन भी दे दिए आपको बस हाँ नहीं बता देना है वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यह भी सही है मेंडल है ठीक है वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है योजना पद्धति किस उपागम की देन है आ, सही है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े सौ ठीक मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े सौ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर योजना पद्धति किस उपागम की देन है कौन सा ऑप्शन सही होता है योजना पद्धति किस उपागम की देन है तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाता है योजना पद्धति प्रयोजनवाद की देन है ऑप्शन कौन सही होता है ऑप्शन सी योजना पद्धत किसकी देन है प्रयोजनवाद की देन है ऑप्शन सी सही होता है नेक्स्ट ओहो क्वेश्चन पढ़िए बुद्ध लब्ध ज्ञात करने का सूत्र रिप्लाई कीजिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र ऑप्शन कौन सा सही होता है मानसिक आयु माइनस वास्तविक आयु ये नहीं होगा ये नहीं हो, हो देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े सब ठीक है आप लोग पहले ही बता चुके हैं अच्छी बात है चलिए क्लियर है ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े सब संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है कथन किसका है बताइए संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है आप जानते हैं कि चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो चाहे सी टेट हो हर एग्ज़ाम में आपका ये कथन जरूर पूछ लिया जाता है और आप जानते हैं कि अगर कथन पूछा जाता है तो सही होने के चांसेस 50%। परसेंट अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं हैं तो अगर अच्छे से पढ़े तब तो कुछ भी हो सही ही होगा लेकिन नहीं पढ़े हैं तो इसमें तुक्का भी बहुत कम चांस रहता है तो इसलिए याद होना और पढ़ना इसको जरूरी सम व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है यह कथन किसका है ऑप्शन ए वुडवर्थ जितने लोग वुडवर्थ बताए हैं, सभी के रिप्लाई एकदम सही है ऑप्शन ए वालों के रिप्लाई सही है वुडवर्थ का कथन है क्लियर चलिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं रिप्लाई कीजिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के तीन स्तर हैं कितने स्तर हैं तीन स्तर हैं वह कौन कौन सा है का। 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 एक दो तीन पहला कौन सा है पूर्व परंपरागत स्तर ठीक है फिर कौन सा है परंपरागत स्तर ठीक है और तीसरा कौन सा है उत्तर परंपरागत स्तर जब पूर्व हो गया तो लास्ट में उत्तर एक ठीक है तीन स्तर क्लियर हुआ कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं तीन स्तर पूर्व परंपरागत परंपरागत और उत्तर परंपरागत नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है बताइए भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है ऑप्शन कौन सा सही होता है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषाघात पठन विकार वाक विकार बी और सी दोनों चलिए भाषाघात भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है किससे है ऑप्शन ए सही होता है भाषा और बोधन से संबंधित विकार क्या है ऑप्शन ए सही होता है भाषाघात क्लियर हाँ भाषाघात भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषाघात में व्यक्ति के बोलने लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता अस्पष्टता अस्थाई विकार उत्पन्न हो जाता है यह क्या है मस्तिष्क विकार इसको कहा जाता है ठीक है यह क्या है मस्तिष्क विकार भाषा बोधन संबंधित विकार क्या है भाषाघात ठीक है बोलने लिखने या बोले हुए लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता हो जाती यही है क्या भाषाघात और कौन सा विकार है मस्तिष्क विकार है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मकता के मुख्य अवयव में शामिल है रिप्लाई कीजिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए और और सही रिप्लाई कीजिए ऐसा नहीं फास्ट फास्ट ए ए करते जाए तुक्का यही नहीं लगाना है सृजनात्मकता के मुख्य अवयव में शामिल है मौलिकता प्रवाह परिभाषा या ये सभी तो यह आपका ऑप्शन आप डी वालों की रिप्लाई सही हो जाती है आल ऑफ ठीक है प्रवाह मौलिकता और परिभाषा ये सभी सृजनात्मकता के मुख्य संघटक हैं ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है क्लियर है कौन सा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी सही होता है दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में है दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए किस में है इकतालीस व छियालीस में चौदह व पंद्रह में छियालीस व बयालीस में बयालीस व तिरालीस में तो आप बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कौन सा फोर्टी वन एंड फोर्टी सिक्स दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इकतालीस और छियालीस ऑप्शन ए सही हो जाता है तो आप भूलिएगा नहीं ठीक है आप एकदम से नहीं भूलना है आपको इकतालीस व छियालीस दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संविधान में उल्लेख है आर्टिकल फोर्टी वन एंड फोर्टी सिक्स क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभिप्रेरण क्या है बताइए अभिप्रेरण क्या है कीजिए ऑप्शन कौन सा सही होता है वैज्ञानिक विचारधारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा भौतिकवादी वस्तु या इनमें तो ऑप्शन तो सही हो जाता है अभिप्रेरण क्या है चलिए ऑप्शन बी जितने लोग बताएं ऑप्शन बी वालों की रिप्लाई सही है मनोवैज्ञानिक विचारधारा है ठीक आई नेक्स्ट क्वेश्चन छत युक्त बालक होते हैं श्रवण छतुक्त बालक होते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है बालक होते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है रिप्लाई रिप्लाई कीजिए कीजिए और एक बार आप लोग लाइक जितने लोग अभी तक लाइक ना किए हो लाइक कर दीजिए और शेयर तो सभी को करना ही करना है शेयर बिना शेयर किए आपको क्लास नहीं करनी है क्योंकि नोटिफिकेशन जाता नहीं फिर भी हम आपके भरोसे क्लास स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे तो सभी आ जाएंगे किसी का नुकसान नहीं होगा श्रवण क्षतियुक्त बालक होते हैं सिंपल हाँ श्रवण आप जानते हैं कि जिसको सुनाई नहीं देता वह बोल भी नहीं पाता तो क्या है बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले बालक श्रवण क्षतियुक्त बालक ठीक है बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोलने वाले बालक क्या होते हैं श्रवण क्षतियुक्त बालक होते हैं ऑप्शन सी जितने लोग बताए हैं सभी की रिप्लाई सही है कुछ लोग ऑप्शन बी भी बता रहे हैं लेकिन क्या है ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी सही होता है बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले बालक क्या होते हैं श्रवण क्षति बालक आइए देखिए एक बात तीन बार बोलना ये करना नहीं है आपको समझाना समझाने का एक तरीका है एक बार एक एक ही बात तीन बार बोलेंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी बार दिमाग में बैठ जाए या दोहरा उठे यही सब है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्री अत्यधिक सक्रिय होती है बताइए रिप्लाई कीजिए दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्री अत्यधिक सक्रिय होती है सूंघना स्पर्श करना बोलना मुस्कुराना। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है दृष्टिहीन बच्चों की स्पर्श की इंद्री अत्यंत संवेदनशील व सक्रिय होती है कौन सी स्पर्श करना ठीक है अतः वह स्पर्श करके ब्रेल लिपि पद्धति से सीखते हैं ठीक है ब्रेल लिपि पद्धत में आप जानते हैं ना रेगमाल कागज होता है फिर उसमें कित अच्छा ये बताइए ब्रेल लिपि पद्धत में कितने बिंदु होते हैं जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप लोग कितने बिंदु होते हैं पहला क्वेश्चन ये है और ब्रेल लिपि के दूसरा क्वेश्चन क्या है ब्रेल लिपि के आविष्कारक ब्रेल लिपि के आविष्कारक बताइए जल्दी से ब्रेल लिपि के आविष्कारक पहली रिप्लाई क्या है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं छह बिंदु बहुत अच्छी रिप्लाई और दूसरी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है दूसरी रिप्लाई दे दीजिए जल्दी से हां लुईस ब्रेल ठीक है आप बता दीजिए एक क्वेश्चन और अभी हाल ही में मनाया गया ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है ब्रेल लिपि दिवस मनाए हुए अभी आपको जल्दी से रिप्लाई कीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस प्रेल आविष्कारक हैं आप बताइए और यह किसके लिए है दृष्ट बाधित दृष्टहीन बच्चों के लिए है कब मनाया जाता है चार जनवरी ठीक है फोर्थ जनवरी को अभी हाल ही में आपने कुछ लोगों ने विश भी किया था मनाया भी था और आप जान भी रहे हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी रिप्लाई है सही है एकदम वंचित बालक उदाहरण नहीं है वंचित बालक उदाहरण नहीं है अब बताइए किसके तो वंचित बालक राजनैतिक रूप से आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से तो इसमें क्या है उदाहरण किसके नहीं है आपको आपसंद दिख रहा होगा आर्थिक रूप से वंचित बालक होते हैं सामाजिक रूप से होते हैं शैक्षिक रूप से होते हैं ये वंचित कहलाते हैं लेकिन ये राजनीतिक रूप से यह वंचित बालक नहीं है ठीक है राजनैतिक रूप से वंचित वंचित बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं राजनैतिक रूप से वंचित जो होते हैं वह वंचित बालक के रूप नहीं है प्रकार नहीं है जबकि अन्य ये तीनों हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मक बालकों की बुद्धि कैसी होती है <laughs> नहीं भाई क्वेश्चन ध्यान से देखिए नहीं देखिए हां देखिए सब कुछ देखिए नहीं तो ऐसे ही गलत होता है सृजनात्मक बालकों की बुद्धि कैसी होती है बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए क्लास की टाइमिंग सुबह दस बजे मॉर्निंग में दस बजे फिर दोपहर में दो बजे ठीक है फिर शाम को एक क्लास हो जाती है कभी कभी फिर रात में दस बजे ठीक तीन क्लासेस फिक्स हैं और शाम को एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो अलग है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मक बालकों की बुद्धि कैसी होती है तो ये भी आ, आ, आप पक्का बता लेंगे हमें पता है जल्दी से रिप्लाई कीजिए सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है ऑप्शन सी ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है आप लोग पहले ही आंसर दे दिए थे टाइम नहीं वेस्ट करना है जल्दी से आइए प्लेलिस्ट ओके ओके अच्छा ठीक है बनाएंगे जरूर पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक बताइए जल्दी से समस्यात्मक बालक आप बताइए प्रतिभाशाली ये कैसे है मंदबुद्धि बालक पिछड़े बालक चोरी करने वाले बालक हाँ रिप्लाई कीजिए चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहे जाते हैं भाई चोरी करने वाले मार करने वाले मारपीट करने वाले चोरी करने वाले मतलब ये सब समस्यात्मक बालक कहे जाते हैं ठीक है मंदबुद्धि या पिछड़े बालक उचित आंसर नहीं है समस्यात्मक बालक कौन होते हैं इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा चोरी करने वाले बालक या अगर यहाँ चोरी करने वाले बालक ना होता मारपीट करने वाले बालक ठीक है ये वाले होते तब भी क्लियर समस्यात्मक ही है वो भाई समस्या उत्पन्न करने वाले वही हो गए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि बताइए चोरी करने वाले चोट्टा लोग <laughs> प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि संपन्नीकरण गतिवर्धन विशिष्ट कक्षाएं इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन सही होता है संपन्नीकरण गतिवर्धन विशिष्ट कक्षाएं इनमें से सभी तो ऑप्शन कौन सा सही होता है अब देखिए प्रतिभाशाली बालक हो गया तो सभी जो है विशिष्ट कक्षाएं गतिवर्धन फिर संपन्नीकरण ये सब है आल आफ्ता ऑप्शन डी सही होता है ठीक है क्लियर हुआ हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि बालकों के स्वभाव को समझने के लिए बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए बताइए रिप्लाई कीजिए जल्दी से बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए सामाजिक विज्ञान बाल। सिंपल सी बात है कौन सा ऑप्शन सही होता है आप देखिए कभी भी हो क्वेश्चन सनादर डरिए पहले तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए नहीं लिखा है यहां लिखा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसके बाद ऑप्शन पढ़िए तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या है बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना जरूरी होता है ठीक अब बताइए अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिप्लाई कीजिए मत जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप सभी जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक तो कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए क्वेश्चन तो चलता रहेगा क्वेश्चन चलिए अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हल ब्रूनर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो प्रबलन सिद्धांत बहुत अच्छा हाँ, हल ठीक है ऑप्शन बी वालों की रिप्लाई सही है हल क्लियर है अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है हल है अच्छा ये बताइए आप बता देंगे कि बहुबुद्ध सिद्धांत बहुबुद्ध सिद्धांत यह एक ऐसा क्वेश्चन है टेट सुपर टेट सी टेट सब में आता है अब की देखिए ये टेट जो हुआ था जो कैंसिल हुआ है उसमें भी ये आया था अब की बार भी आएगा हर बार आएगा जल्दी से बताए बहुबुद्ध सिद्धांत गार्डनर गार्डनर ठीक है? अच्छा ये बताइए। आवश्यकता आवश्यकता या मांग मांग सिद्धांत के प्रतिपादक जल्दी से रिप्लाई कीजिए जल्दी से रिप्लाई करेंगे आवश्यकता या मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन ये भी बता दीजिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आइए निम्नलिखित में किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है निम्नलिखित में किसका प्रभाव हाँ बहुत सही मांग का सिद्धांत मैस्लो अब्राहम मैस्लो ठीक है मैस मैस एकदम सही है। अब आइए निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है परिवार समाज विद्यालय उपरुक्त सभी तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है हाँ, परिवार समाज तथा विद्यालय का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है ऑप्शन डी सही होता है और आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं ये समझ सकते हैं कि परिवार वाला प्रभाव कैसे बालक पर पड़ेगा समाज वाला कैसे पड़ेगा विद्यालय वाला कैसे पड़ेगा सब कुछ सही है ठीक है और कैसे पड़ेगा आप जानते हैं आइए बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है कौन सा ऑप्शन सही होता है बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है खेल कूद में मन आ, लगाना कौन सा ऑप्शन पढ़ने में अरुचि होना बाल अपराध कहा जा रहा है ना बाल अपराध तो बाल अपराध क्या है चोरी करना ठीक है ऑप्शन कौन सा होता है ऑप्शन सही होता है सी बाल अपराध निम्न विकल्पों में चोरी करना जो है इन तीनों ऑप्शन में चौथा तो कुछ है नहीं लेकिन तीनों ऑप्शन में चोरी करना बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है ये रखा जाता है क्लियर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है बालक के व्यवहार के अध्ययन की किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता है ध्यान से बताइएगा इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन और अप्लाई समझ के दीजिएगा कि बालक के व्यवहार के अध्ययन की किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता है संभव होता है नहीं संभव नहीं होता है यहां टू पॉइंट पर आपको ध्यान देने के वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण और संभव नहीं नहीं आप ध्यान दीजिएगा तो बालक के व्यवहार के अध्ययन में कौन सा प्रश्नावली विधि ठीक है प्रश्नावली विधि जिसे क्या कहते हैं साक्षात्कार विधि भी कहते हैं क्या कहते हैं साक्षात्कार विधि साक्षात्कार विधि भी कहते हैं यह विधि है इसका प्रयोग उसके, उसके वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करने पर नहीं प्रमाणित करता है इसमें प्रश्नों द्वारा निरीक्षण किया जाता है जिसमें बालक झूठ भी बोल सकता है ठीक है भाई अगर पूछा जाएगा तुम चोरी करते हो नहीं करते हैं आप बताइए आप जान लेंगे कि वह चोरी नहीं करता है इसलिए प्रश्नावली विधि जो है इसमें बालक झूठ भी बोल सकता है और उसके वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है क्लियर है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिक इतिहास के जरिए किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है अच्छे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पॉजिटिव रहिए और अच्छे से समझिए समझदार खूब अच्छे से ऐसा समझिए जिससे जरूरत ना पड़े फिर से इसको पढ़ने की पूछा जाए तो आप बता लीजिए बस आप बताइए वैक्तिक इतिहास के जरिए किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है पिछड़े बालक प्रतिभाशाली बालक व्यक्ति के इतिहास के जरिए तो कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ हाँ ये है आल ऑफ द एब उपरयुक्त सभी ठीक है कौन सा ऑप्शन सही होता उपरयुक्त सभी प्रकार के बालकों में व्यक्तिक इतिहास के जरिए बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है क्लियर है ऑप्शन कौन सा होता है ऑप्शन डी यहाँ सही होता है ठीक यहाँ आपके थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन थर्टी प्रश्न जो हैं, यह पूरे होते हैं सी के आइए अब आपको ले चलते हैं कहा? हिंदी की दुनिया में। यह है, है, आप आता सभी को है, लेकिन गलत भी सभी का होता है एक क्वेश्चन गलत होने का हिंदी, का, हिंदी के एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या है कि आप कई सारे मतलब सैकड़ों में हजारों में हजारों स्टूडेंट से पीछे जाते हैं इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप कभी गलत ना कीजिए आइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है रामचरित मानस गीतावली श्री कृष्ण गीतावली या भक्तमाल बताइए जल्दी से कौन सी नहीं है और किसकी है ये भी बताएंगे लेकिन पहले आप बताइए कि कौन सी नहीं है तो ऑप्शन डी पता होगा आपको ऑप्शन आप डी भक्तमाल किसकी रचना है पहली बात तो तुलसीदास की रचना नहीं है किसकी रचना है बताइए जल्दी से देखते हैं ऑप्शन आप आपकी रिप्लाई देख लें चलिए अच्छी बात है भक्तमाल किसकी रचना है नाभादास की चलिए आप ये भी बता दिया कीजिएगा कि अगर उनकी रचना नहीं है तो किसकी है वैसे तो हम बताएंगे जरूर ठीक है अब रामचरित गीतावली श्री कृष्ण गीतावली ठीक है अच्छा ये बताइए कि दोहावली किसकी है ठीक है पहला क्वेश्चन देखिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट पूछेंगे जरूरी नहीं है कि ये आ जाए ये भी आ सकता है एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आप ये भी बता दीजिएगा कि शबद या शीर्षक किसके द्वारा रचित है शबद चलिए दो क्वेश्चन आपको बताना है पहला क्या है कि दोहावली किसका है दोहावली दो किसका है तुलसीदास जी की ही है दोहावली अब आपको दूसरा बताना है शबद हमने पूछा है शबद ये जो शीर्षक है किसके द्वारा रचित है यह शीर्षक जल्दी से रिप्लाई कीजिए शब्द आपको पता है कि साखी साखी हो गया फिर क्या आता है शब्द फिर क्या आता है रामायणी साखी शबद रामायणी यह तीनों शीर्षक को मिलाकर क्या उसका नाम क्या रखा गया है आप भी बता आप ही बताएंगे और उसके शीर्षक की रचयिता कौन है कबीरदास जी ठीक है अब आपको यह बताना है कि इन तीनों को मिलाकर एक शीर्षक बनाया गया है उसका नाम क्या है अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए पूछने का मतलब यही है कि हम सारे क्वेश्चन आप से ही पूछना चाहते हैं आप बताइए ठीक है चलिए अनुस्वार किसका कार्य करता है रिप्लाई कीजिए अनुस्वार किसका कार्य करता है हिंदी के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सभी को आते हैं लेकिन जल्दबाजी में या अनजान में एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप कई लोगों से पीछे गए बहुत अच्छी रिप्लाई है यह तीनों शीर्षक को क्या कहा गया है हाँ, बीजक ठीक है कबीरदास क्लियर है चलिए अनुस्वार किस कार्य करता है आप बताइए अनुस्वार जो होते हैं आपको पता है ना पंचम वर्ण का कार्य करते हैं किसका कार्य करते हैं हाँ। हाँ अच्छा ये बताइए पंचम वम गणनम गणनम ये सब क्या है हाँ पंचम ठीक है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं बताइए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं रिप्लाई कीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं बहुत अच्छा क्या कहते हैं क्या कहते हैं अनुनासिक कहते हैं ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है अनुनासिक कहते हैं अच्छा ये बताइए एक चिन्ह हम आपको देते हैं ये आप बता दीजिए कि यह कौन सा चिन्ह है देखिए जरूरी ये होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ है वही आए आपको ये जरूर नहीं है आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आने अभी संधि आएगा ना तो हम आपको पांच संधि और पूछेंगे जैसे ये विराम चिन्ह आया है तो हम आपसे ये भी पूछेंगे चिन्ह आया है तो उससे भी पूछ रहे हैं ये बताइए कौन सा चिन्ह है विस्मयादि बोधक इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सलामेट्री सेंट एक्सलामेट्री यह सूचक है यह चिन्ह है ठीक है क्लियर है हाँ अच्छा ये बताइए कि एक जब त्रुटि हो जाती है जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम त्रुटि हो गई तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं मान लीजिए हम ये चिन्ह लगाते हैं इसको क्या कहा जाता है त्रुटि हो गई लिख दिए हैं और हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसका नाम क्या है ये बताइए रिप्लाई कीजिएगा रिप्लाई कीजिए जल्दी से क्या कहा जाता है उसका पूरक चिन्ह या फिर हंसपद ठीक है हाँ, क्लियर है हंसपद कहा जाता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए दुस्तर का संधि विच्छेद रिप्लाई कीजिए ऑप्शन कौन सा सही होता है दुस्तर का संधि विच्छेद हां दु धन क्लियर है दुधंतर क्या हो गया दुस्तर अब आप, आप किसी का भी गलत नहीं होगा अगर हम पूछे कि यह कौन सी संधि है स्वर संधि व्यंजन संधि या विसर्ग संधि बताइए जल्दी से दुधंतर ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी लेकिन यह बताइए कि कौन सी संधि है तो यह कौन सी संधि है विसर्ग संधि ठीक है यह कौन सी संधि हो गई विसर्ग संधि दुहधंतर विसर्ग संधि क्योंकि ये देखिए विसर्ग का चिन्ह है विसर्ग संधि हो गई इस संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद त थ त और था हो तो क्या हो जाता है वहां बताइए छोटा वाला स क्लियर है दुस्तर इसको आप जान लीजिए विसर्ग संधि है ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे कि चलिए ये बताइए दुर्जन या दूर्जन हिंदी का सब्जेक्ट है तो यहां विसर्ग नहीं लगाते हैं अब ये बताइए दूर्जन में कौन सी संधि है रिप्लाई कीजिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए नोटिफिकेशन देखिए आज भी नहीं गया था आप लोगों की वजह से आप लोगों के उम्मीद पर हमने क्लास शुरू किया तो आप लोगों ने शेयर किया और शेयर कर दीजिए जिससे और सभी लोग आ जाएं टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा दुर्जन में क्या है हिंदी का सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं लगा नहीं तो संस्कृत हो जाएगा छोड़िए दोनों बात एक ही है क्या हो जाएगा दुधन जन दुधन जन दुर्जन ठीक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सत किस समास का उदाहरण है यह भी विसर्ग संधि है ना तो एकदम सही एकदम सही सत सही किस समास का उदाहरण है सत ध्यान दीजिएगा समास है और सत रिप्लाई कीजिए सत सही, सही। देखिए सत मतलब क्या होता है थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको सतसई इसका विग्रह क्या है सात सौ का समाहार ये है सही. कौन सा हो गया सात सौ द्विगु समास क्लियर हुआ सात सौ का समाहार इसका मतलब क्या हो गया द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां कौन सा समास होता है द्विगु समास अब बता दीजिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है यह बताइए जल्दी से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा रिप्लाई कीजिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा समास होता है वहां द्वंद्व समास ठीक है जिस समास में दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास जैसे माता पिता ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ये देखिए नहीं है नहीं संयुक्त स्वर आपको बहुत अच्छे से बताए हैं बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है बताइए हाँ देखिए उ यह संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि कौन सा स्वर है या दीर्घ स्वर है ठीक है अब बताइए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं ए अब अब क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त स्वर जब ए है तो किससे किससे मिलकर संयुक्त हुआ है मतलब किससे किससे मिलकर बना है तो ए किससे मिलकर बना होता है आ प्लस छोटी ई ठीक है आ किससे मिलकर बना होता है बताइए आ प्लस इससे ऐसे ठीक है ओ किससे मिलकर बना होता है बताइए आ प्लस ऊ से मिलकर ठीक है आ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है लेकिन ये ऊ जो है ये वाला यह संयुक्त स्वर नहीं बल्कि यह दीर्घ स्वर है ये तीनों आप समझ गए आपको बहुत अच्छे से बताए हैं पहले भी आज रिवीजन करवा रहे हैं खूब अच्छे से बताए हैं किससे किससे मिलकर कौन कौन सा बना होता है अब अगर अ पूछा जाएगा ओ तो ये हो गया अ प्लस ऊ लेकिन अ पूछा जाएगा तो ओ प्लस आ से मिलकर बना है क्या ठीक समझ में आया ए आ, ओ इतना आप जान लीजिए संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए समझ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन आपको में सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये बताइए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सम सन सन या फिर सु तो कौन सा उपसर्ग है एकदम सही है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कौन सा उपसर्ग है सम उपसर्ग है ठीक है हाँ कौन सा उपसर्ग है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है चली नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए सही हो जाता है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तद्धित प्रत्यय बताइए तद्धित प्रत्यय वार्षिक भिड़ंत लड़ाई मिलाप तो ऑप्शन कौन सा होता है हाँ वार्षिक में तद्धित प्रत्यय वार्षिक ये देख रहे हैं ना वार्षिक प्रत्यय वार्षिक में कौन सा प्रत्यय तद्धित देखिए भिड़ंत लड़ाई तथा मिलाप में क्या है भाववाचक कृत प्रत्यय है पहली बात तो कौन सा प्रत्यय है कृत प्रत्यय उसमें कौन सा है भाववाचक भिड़ंत हो गई लड़ाई हो गई मिलाप हो गई ये सब भाववाचक है ना और ऊपर से क्या है कृत प्रत्यय है और देखिए ये क्या है वार्षिक क्या है तद्धित प्रत्यय है ठीक नेक्स्ट कौन सा शब्द तत्सम नहीं है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पता होगा पक्का आपको आना चाहिए पार्श्व पाषाण पाहुना या फिर पिटक पाहुना क्या है तद्भव है अब देखिए पाहुना क्या है तद्भव है इसका तत्सम क्या होता है देखते हैं कितने लोग की रिप्लाई सही होती है इसका तत्सम जो बता देगा उसको समझ जाएंगे कि हां वो पढ़ा, पढ़ चुका है बताइए क्या है हिंट दे रहे हैं प्राघूण ठीक है पाहुना का पाहुना तद्भव है पाहुना का तत्सम क्या है प्राघूण अब देखिए ये सब पार्शो पार्शो तत्सम है क्या होता है बताइए जल्दी से पार्श मतलब पास और पाषाण मतलब बताइए जल्दी से पाषाण का तद्भव पाहन और पिटक मतलब पिटक का तद्भव क्या होगा पिटारा ये तद्भव हमने बता दिया ठीक है और आप समझ चुके होंगे चारों ऑप्शन की रिप्लाई हमने दे दी और जो क्वेश्चन था उसकी भी रिप्लाई आपको मिल गई है बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लाई कीजिए मैंने फिलिंग द ब्लैंक में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए चलिए मैंने अंतःकरण मन चित्त आत्मा तो अब बताइए आसान सा क्वेश्चन भी आपको देना जरूरी है इसके पहले वाला गलत हुआ तो ये सही कर लीजिए और खुश हो जाइए रिक्त स्थान पर मन होगा क्या होगा मन मैंने मन में सोचा ठीक है कि भला ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हां मन में सोचा राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है अब बताइए राम खाता होगा पहली बात तो ये है भविष्य ठीक है इसको हटा ही दीजिए ये क्लियर हुआ अब तीन ऑप्शन में आपको अब तीन ऑप्शन में आपको घूमना है क्या है संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है ऑप्शन कौन सा सही होता है संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है देखिए जब वर्तमान काल में कार्य की पूरा होने का संदेह हो तो वहां क्या होता है संदिग्ध वर्तमान काल होगा ठीक है संदिग्ध वर्तमान काल नहीं नहीं भविष्य नहीं संदिग्ध वर्तमान ऑप्शन ए सही होता है ऑप्शन ए ध्यान से रिप्लाई कीजिए ऑप्शन ए सही होता है इसको आप लोग एक बार और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए सही होता है संदिग्ध वर्तमान काल ठीक है जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने का संदेह हो वहां संदिग्ध वर्तमान खाता होगा वह जाता होगा मतलब जा रहा ऐसे अब फीलिंग आ रही ना क्लियर ऑप्शन ए सही होता है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है बताइए आप उसको मन में पढ़ेंगे ना सोचेंगे तो जरूर सही होगा और समझ में भी आएगा कि राम खाता हो उसको एक बार आप अपने मन में अंतकरण में संतुष्टि लाइएगा <laughs> निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है तो मैंने पुस्तक पढ़ी पुस्तक पढ़ी जाती है आम खाया जाता है भाववाचक तो कौन सा ऑप्शन सही होता है भाववाचक एकदम सही है हाँ धूप में चला नहीं जाता यह भाववाचक का उदाहरण है जितने लोग ऑप्शन ए, ए, ए बी सी में घूमे हैं ना सुधर जाएं ऑप्शन डी सही होता है धूप में चला नहीं जाता देखिए क्या है भाववाचक का प्रयोग प्रायः असमर्थता विवस्ता प्रकट करने के लिए किया जाता है भाई इसमें देखिए नहीं है ना तो असमर्थ है कितनी बार आपको बताए हैं हमसे खाया नहीं जाता आम खाया जाता है इसमें क्या है आम खाया जाता है ये कौन सा भाववाचक है पुस्तक पढ़ी जाती धूप में चला नहीं असमर्थता विवस्ता प्रकट की जा रही है हमसे पहाड़ पर चढ़ा नहीं जाता ये सब भाववाचक का उदाहरण है ठीक है भाववाचक नहीं भाववाच्य है बल्कि ठीक है ठीक है भाववाचक भाववाच्य ये सब भाववाच्य के उदाहरण हैं हमसे चला नहीं जाता क्लियर है ध्यान दीजिए कैसे ध्यान देंगे हम ये एक बार और आपको बताए थे बार बार बताते हैं आप लोग फिर बार बार गलत कर देते हैं कैसे सुधार होगा अच्छा बहुत सही बहुत सही चलिए लेन देन विराह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बताइए एक ऑप्शन पांचवा ऑप्शन ऑप्शन ई लीजिए यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन बताइए यहाँ देखिए कामा है फिर इक्वल टू का है फिर ये है बताइए विसर्ग है ये वाला ठीक है ऑप्शन ई सही हो जाता है यहाँ यही रहना चाहिए था इक्वल टू हो गया है लेकिन चलिए ये है ठीक है हाँ इसको क्या बोलते हैं इस चिन्ह को क्या बोला जाता है लेन देन मिलन जड़ चेतन इसको क्या नाम दिया जाता है योजक चिन्ह ठीक है क्या नाम दिया जाता है योजक चिन्ह ऑप्शन ई रिप्लाई सही होती है योजक चिन्ह यहाँ यही होना चाहिए था लेकिन इक्वल टू है तो हम ऑप्शन ई आपको दे दिए आप सभी समझदार है भी सही भी हो, होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए मुहावरे और उसके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है उसको पहचानिए कौन सा गलत है रिप्लाई कीजिए जल्दी से रिप्लाई करें ना कौन सा ऑप्शन सही होता है नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है उसे पहचानिए तो कौन सा गलत है बताइए देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है हाँ आसन डोलना क्या है आसन डोलना क्या होता है आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है विचलित होना और यहां क्या है विचलित ना होना तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए तो आसन डोलना का क्या होगा विचलित होना बल्कि यहां ना है तो इसलिए यह ऑप्शन गलत होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह सही है लेकिन यह गलत होता है अगर ना दीजिए तब यह सही हो जाएगा ठीक है आसन डोलना मतलब विचलित हो जाना क्लियर है शेष मुहावरे और उनके अर्थ इसे अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना आँच ना आने देना जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना आसमान टूट पड़ना या गजब का संकट पड़ना ये सब सही है ठीक है हाँ और हाँ योजक पूछ रहे हैं योजक चिन्ह क्या होता है दो विपरीत युग्मों के बीच लगता है दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है योजक चिन्ह ठीक है दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है जैसे इसमें क्या था विरह मिलन विरह देखिए अलगाव मिलन एक होना लेन देन जड़ चेतन विपरीत शब्दों को जोड़ रहा है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने रिप्लाई कीजिए आंख का अंधा नाम नयन सुख आंख का अंधा नाम नयन सुख गुण के अनुरूप नाम होना गुण के विरुद्ध नाम होना मूर्ख होना मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति रिप्लाई कीजिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए आंख का अंधा नाम नयन सुख ऑप्शन कौन सा ही होता है लोकोक्त का सही अर्थ गुण के विरुद्ध नाम होना गुण के विरुद्ध नाम होना ठीक है क्लियर है हाँ गुण के विरुद्ध नाम होना ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है नहीं आप लोग देखिएगा तभी रिप्लाई करिएगा बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए रिप्लाई कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है आख का हां रचनाकार रचना की कौन सा युग सही नहीं है तो कौन सा तुलसीदास देखिए तुलसीदा वैराग संदीप ने किसने लिखा है या किसकी कृति है बताइए तुलसी की ये सही है अब देखिए मृगावती किसकी है ये यहाँ नहीं होगा मृगावती किसकी है कुतुबन की बताइए जल्दी से यह क्या है सही है ठीक है जायसी आखिरी कलाम किसका है जल्दी से रिप्लाई कीजिए आखिरी कलाम किसका है यह भी मलिक मोहम्मद जायसी का है लेकिन मन, चित्रावली किसका है ये बता दीजिए आप वैराग संदीपनी तुलसीदास मृगावती कुतुबन का आखिरी कलाम किसका है जायसी का लेकिन चित्रावली किसकी रचना है चित्रावली किसकी रचना है मंझन की नहीं है भाई मंझन की नहीं चित्रावली किसकी है उस्मान की रचना है आपको रचना वाला हम रचना खूब पढ़ाए हैं खूब पढ़ाए हैं और आगे भी जल्दी ही फिर से एक क्लास स्टार्ट करेंगे अच्छे से रचना वाली ठीक है हाँ चित्रावली किसकी रचना है उस्मान की रचना है और बाकी सारी रचनाएं सही हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी रचना है बताइए कछुआ धर्म किसकी रचना है रिप्लाई कीजिए कछुआ धर्म किसकी रचना है ऑप्शन कौन सा सही होता है कछुआ धर्म बताइए जल्दी से कछुआ धर्म किसकी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ऑप्शन बी सही होता है ठीक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म किसकी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ठीक है हाँ अच्छा ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है ठेठ हिंदी का ठाठ यह रचना किसकी है देखते हैं कितने लोगों की रिप्लाई सही होती ठेठ हिंदी का ठाठ यह रचना किसकी है ठीक आप जल्दी से बताइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब तक चलते हैं आप रिप्लाई करते रहिए आपकी रिप्लाई का वेट भी करते हैं लेकिन करते रहिए रुकना नहीं है कौन सा ऑप्शन सही होता है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है ये आपको बता देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है बताइए सही विलोम युग कौन सा नहीं सम का विषम समर्थक का विरोधी सदाचार का दुराचारी और समष्ट का तो आप बताइए कौन सा नहीं सम का विषम एकदम सही समर्थक का विरोधी एकदम सही समष्ट का क्या होता है बताइए व्यस्त एकदम सही है सदाचार का क्या है सदाचार का दुराचारी नहीं होगा बल्कि क्या होगा दुरा चार ठीक है दुराचारी नहीं बल्कि क्या है दुराचार क्लियर हुआ हाँ, सदाचार का क्या है दुराचार सदाचार का विलोम दुराचार होगा से एकदम सही है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है रिप्लाई कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है फुटपाथ स्कूल बताइए स्टोव केतली रिप्लाई कीजिए फुटपाथ स्कूल स्टोव केतली तो इसमें क्या है स्त्रीलिंग है पूछा जा रहा है ना बताइए केतली क्या है स्त्रीलिंग है ठीक है केतली गर्म हो गई है ये क्या है केतली गर्म हो गया नहीं ना स्टोव जल गया स्कूल खुल गया फुटपाथ टूट गया लेकिन यह क्या है कितली गर्म हो गई है स्त्रीलिंग है ठीक पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है देखिए क्वेश्चन जो है सरल भी है कठिन भी है और एवरेज में भी है मॉडरेट भी है तो आप लोग अटेंड कीजिए क्वेश्चन और जिस क्वेश्चन पर आपको शंका हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कोई भी क्वेश्चन हो और आप लोग जो क्वेश्चन आपको ना आए उस टॉपिक को और पढ़िए ठीक है हम हाँ प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे नेक्स्ट बार आपका सही हो बारिश ना ना पानी बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है कौन सा सही होता है पानी ना बरसता तो धान सूख जाता यह क्या है संकेत वाचक है ठीक है ऑप्शन कौन सही होता है जितने लोग संकेत संकेत लिखे हैं सबकी रिप्लाई सही है ऑप्शन बी सही होता है पानी ना बरसा वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है क्लियर है हाँ, सही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेब कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है इसमें रेखांकित क्या है सिंदूरी बताइए तो अब बताइए कश्मीरी शेप सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन कौन सा सही होता है बताइए सिंदूरी लाल होना देखते हैं रिप्लाई कितने लोगों की सही होती है जल्दी से रिप्लाई कीजिए देखिए हिम्मत नहीं हारना है यही तो आपकी परीक्षा हो रही है कठिन समय में आप अपने निश्चय को ना खोइए अपने हिम्मत को ना हारिए यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है कठिन समय में अपने हिम्मत को ना हारना आपके सफलता की पहली सीढ़ी होती है तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है तो देखिए आप संसी भी आपको दिख रहा होगा कैसे देखिए क्या है कि सेब लाल होता है लाल क्या है विशेषण सिंदूरी लाल विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है प्रविशेषण ठीक है सही हुआ ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन सी आपकी रिप्लाई सही हुई कि नहीं हुई ये बताइए सिंदूरी प्रविशेषण के रूप में यहां प्रयोग किया गया है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है प्रविशेषण कहा जाता है ठीक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उसने अपने को निर्दोष घोषित किया इस वाक्य का मिश्र वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया इस वाक्य का मिश्र वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है मिश्र वाक्य वाक बताना है अब देखते हैं रिप्लाई कितने लोगों की सही होती है बताइए उसने अपने को निर्दोष घोषित किया इसका मिश्र वाक्य बनाइए जल्दी से उसने अपने को निर्दोष घोषित किया इस वाक्य का मिश्र वाक्य है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं ठीक है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं ऑप्शन डी जितने लोग बताए हैं सबकी रिप्लाई सही है ठीक है सही हुआ ऑप्शन डी उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं ये है देखिए इस वाक्य का मिश्र वाक्य ऑप्शन डी सही होता है आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आइए देखिए आ गया आपका अलंकार रिप्लाई कीजिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास विकास इकाल अली कली ही स्वयं बधो आगे कौन हवाल इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है चलिए ऑप्शन डी भी कुछ लोग बता रहे हैं चलिए हम जल्दी से बता देते हैं ऑप्शन बी सही होता है कौन सी रिप्लाई सही होती है अन्योक्ति अलंकार इन पंक्तियों के माध्यम से राजा जयसिंह के रानी के प्रेम जाल में बध जाने का चित्रण किया गया है क्या है भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह को प्रत्यक्ष रूप से कर्तव्य बोध कराया जाना ही क्या है यहाँ अन्योक्त अलंकार का उदाहरण है किसके माध्यम से भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह को प्रत्यक्ष रूप से उनके कर्तव्य बोध का अनु अवबोध कराना बोध कराना क्या है अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है ठीक है उपमा भी बताए हैं कुछ लोग श्लेष भी बताए हैं अनुप्रास तो होगा ही नहीं तो कौन सा हो गया ऑप्शन बी सही होता है अन्योक्ति ठीक है आइए दवाई का बहुवचन दवाई का बहुवचन ऑप्शन कौन सा सही होता है दवाई का बहुवचन अच्छा ये बताइए आपको क्लास में आ, क्लास सही नहीं लग रही क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे हैं रिप्लाई करके बताइए दवाई का बहुवचन क्या होगा ऑप्शन कौन सा सही होता है दवाइयाँ और उसमें भी बड़ी ई नहीं रहेगी दवाइयाँ नहीं होगा ऑप्शन सी रिप्लाई सही होती है ठीक है ऑप्शन कौन सा सही होता है ऑप्शन सी रिप्लाई सही होता है दवाइयाँ निम्नलिखित में से समान तुक वाले शब्द नहीं है बताइए निम्नलिखित में से Uh, समान तुक वाले शब्द नहीं है कौन सा नहीं है समान तुक वाले शब्द हा रेखा देखा निर्बल निर्दय जंग भंग दीन हीन अब बताइए हाँ समान तुक वाले निर्बल और निर्दय यह समान तुक वाले शब्द नहीं है निर्बल और निर्दय यह समान तुक वाले शब्द नहीं है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये तो आप कर लेंगे और ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में सभी आते हैं सरल भी आते हैं कठिन भी आते हैं बहुत सरल आते हैं बहुत ही कठिन आते हैं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन पढ़िए देखते हैं कौन सही कर पाता है यह क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है नहीं पर आप ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आइए <laughs> कौन सा ऑप्शन सही होता है हाँ पठन और लेखन अलग अलग योग्यता हुए ए, होते हुए भी एक साथ हो सकती है ऑप्शन सी पठन और लेखन अलग अलग योग्यता होते हुए ठीक है अच्छा सी नहीं सही है हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही होता है सी यहाँ लिखा है क्या जो एक साथ नहीं हो सकती हैं। यह गलत है पठन और लेखन अलग अलग योग्यता होते हुए भी एक साथ हो सकती हैं नहीं गलत है यहाँ ठीक है तो यहाँ पूछा है कौन सा सत्य नहीं है तो यही वाला सत्य नहीं है ठीक है पठन और लेखन अलग अलग योग्यताएं हैं, फिर भी एक साथ हो सकती हैं यही आ, ये कथन सत्य है लेकिन यहां नहीं है तो इसलिए असत्य हो गया समझ रहे होंगे आप क्लियर आइए अब देखिए तीस क्वेश्चन आपका कौन सा पूरा हुआ अब क्वेश्चन हिंदी के पूर्ण होते हैं हिंदी के तीस क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा सी सबसे पहले हम लोगों ने सी के तीस क्वेश्चन देखे सी फिर उसके बाद हिंदी के तीस क्वेश्चन फिर आते हैं जीएस सीके के तीस क्वेश्चन और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट देखते हैं कितने लोग तैयार हैं अब बताइए यहां निम्नलिखित में से कौन सी गए सबसे अधिक विषाक्त है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है और आप लोग पहले तो सी का अपना स्कोर बताइए सी का यह तो पता ही होगा कितना गलत था हिंदी का यह दोनों स्कोर आप जल्दी से बताइए सही बताइए या गलत बताइए जल्दी से बताइएगा आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह भी देखते रहिए कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बताइए जल्दी से प्रश्नगत विकल्पों में से कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषाक्त गैस है ठीक है सी ओ आप जानते हैं और बहुत अच्छे से ठीक है हाँ यह ऑटोमोबाइल्स सिगरेट के धुएं इत्यादि से निकलती है यह रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को नष्ट कर देती है आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ब्लड से डायरेक्ट क्रिया करती है इसलिए यह परिवहन क्षमता को उसके नष्ट कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी की ऑटोमोबाइल के धुएं से सिगरेट के ठीक है सिगरेट के धुएं सिगरेट के धुएं में कौन कौन सी गैस रहती है क्या क्या रहता है सी ओ रहता है फिर बताइए क्या क्या रहता है हमने तो बता दिया लेकिन आप बताइए अपना टेस्ट दीजिए सिगरेट के धुएं में कौन कौन सी सिगरेट हानिकारक होता है ना क्यों बताइए जल्दी से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है रिप्लाई कीजिए हाँ संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है जल्दी से बताइए रेटिनॉल ठीक है विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीरोपथलमियालीमिया जीरोपथलमिया जी यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है देखते हैं कितने लोग की रिप्लाई सही होती है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा जीरोपथैलमिया किस विटामिन की कमी से रोग होता है या ठीक है हाँ और इसकी कमी से विटामिन ए की कमी संक्रमण की भाव जो होता है प्रभाव बढ़ जाता है अच्छा ये बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम जल्दी से ये तीनों जो ऑप्शन है इनका बता दीजिए जल्दी से बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है थायमिन ठीक है अब बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बताइए जल्दी से कैल्सी ठीक है कैल्सी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है फिलोक्यूनॉन ठीक है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है फिलोक्यूनॉन चलिए हम आपको बता देते हैं जीरोपथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए विटामिन ए की ही कमी से रतौधि भी होता है जीरोपथेलमिया रोग भी होता है दोनों रोग ठीक है भूलिएगा नहीं विटामिन ए की ही कमी से रतौदी भी और जिलोपथैलमिया भी होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है ऑप्शन कौन सा सही होता है कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाए जाएं और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया जाए और उससे कई गुना अच्छे से आपको समझ में आ जाए जिससे आप लोग तैयार रहिए हमेशा तैयार रहिए ये नहीं जब भर्ती आए तब आप में हड़बड़ाहट हड़ पैदा हो जाए आप इतना तैयार हो जाइए कि भर्ती कभी भी आए आप उस टाइम ना हड़बड़ाएं उस टाइम एकदम जीने मरने वाली कंडीशन ना रहें आप एकदम रिलैक्स रहें ठीक है चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है ऑप्शन कौन सा सही होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल अवशोषित कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है स्वपोषी भी कहा जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है इसकी रिप्लाई क्या है ऑप्शन सी वालों की रिप्लाई एकदम सही है किसमें होता है रासायनिक ऊर्जा में ठीक है हाँ आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल अवशोषित करके पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है और वह प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करते हैं रासायनिक ऊर्जा में आइए शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है शरीर में प्रोटीन का, का कार्य क्या है रिप्लाई कीजिए प्रोटीन का कार्य रिप्लाई कीजिए प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं व उद्योगों के मरम्मत हेतु प्रोटीन आवश्यक है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं व उद्योग की मरम्मत करना किसका का कार्य है प्रोटीन का कार्य है ठीक ये सही क्लियर हुआ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ठीक ये भी सही एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करना ठीक है प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं तथा तो एंजाइम व हार्मोन के संश्लेषण में भी सहायक होते हैं ऑप्शन तीनों सही होता है इसलिए जब ऑप्शन तीनों सही तो ऑप्शन चौथा अपने आप सही और आपको ये क्वेश्चन देने का मतलब यह है कि आप तीनों जानकारी अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत उत्कों की मरम्मत करना एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करना कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है क्या बताइए हां प्रोटीन ठीक निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किड़वन का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किड़वन का उदाहरण है जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए किड़वन गलत तो होगा नहीं आप सभी का एथिल एल्कोहल से सिरका बनना आप गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं बताइएगा जल्दी से इनमें से सभी भी है आप लोग ध्यान से देख के बताइएगा जरा दूध का खट्टा होना दूध से दही बनना दही से दुर्गंध आना स्टार्च या सिरे से एथिल को का बनना एथिल को हाल से सिरका का बनना ये सब क्या है ये सारे परिवर्तन दूध से दही बनना दही से ये जो आती है गंध आती है एथिल को से सिरका बनना स्टार्च से एथिल को बनना ठीक है दूध का खट्टा होना ये सब क्या है किड़वन के अंतर्गत आती है ये सारी प्रक्रियाएँ क्या है किड़वन की प्रक्रिया है समझ में आई बात सारी प्रक्रिया क्या है कीड़वन की प्रक्रिया है ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है दूध से दही बनना स्टार्च से थी लिल्कोहल आप गलत नहीं करेंगे मान लीजिए तीन ऑप्शन और देते हैं और चौथा ऑप्शन ये देता है स्टार्च से थी लुल्कोहल का बनना तब भी आपको आप इतना जान लीजिए क्या, क्या क्या किड़वन की प्रक्रिया है तो हमने आपको बता दिया दूध से दही बनना दूध का खट्टा होना और दूध से दुर्ग दही से दुर्गंध आना स्टार्च से सीरे स्टार्च या सीरे से क्या होता है एथिल को हाल का बनना एथिल को हाल से सिर का बनना ये सब किड़वन है कोई भी ऑप्शन आए आप सही कीजिएगा बस नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें इथिलीन का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में किसमें इथिलीन का उपयोग किया जाता है जल्दी से रिप्लाई कीजिए किसमें का का उपयोग उपयोग किया जाता है देखिए मस्टर्ड गैस बनाने में ठीक फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में ठीक पॉलीथीन बनाने में ठीक है इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है वैसे तीन ऑप्शन सही थे इसलिए ऑप्शन डी सही होता है अब तीनों ऑप्शन सही करने का मतलब क्या है ये क्वेश्चन हमने आपको क्यों दिया आपको जानकारी हो जाए कि एथिलीन का उपयोग किसमें किसमें होता है पहली रिप्लाई है फलों को पकाना दूसरी है पॉलीथीन बनाने में तीसरी है मस्टर्ड गैस बनाने में चौथी अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कि नहीं तब आप बोलेंगे क्या एस ठीक है हाँ इसका उपयोग किया जाता है अगर ऑप्शन में कभी निश्चितक रहे तो उसको आप सही कीजिएगा अब आइए ईवीएस है ईवीएस का अच्छा पर्यावरण आपके आप सिलेबस में रहता है तो पर्यावरण ना देकर और सारे सब्जेक्ट देते हैं तो उसमें संविधान भी दे देते हैं साइंस भी दे देते दे हैं दे, और साइंस के बहुत टफ दे देते दे हैं दे इकोनॉमिक्स भी दे, दे देते हैं इसलिए आप सभी पढ़िए लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु तो न्यूनतम सदस्य संख्या है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है अविश्वास प्रस्ताव आपको पता होना चाहिए एक बटे दस एक बटे दस संख्या होती है किसी भी मंडल की किसी भी सभा की किसी भी सदन की ठीक है एक बटे दस लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम पचास सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है ठीक ऑप्शन सी रिप्लाई सही होती है कौन सी रिप्लाई ऑप्शन सी सही होता है अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा ठीक है और अविश्वास प्रस्ताव पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए दो बटे तीन एक बटे चार दो बटे चार एक बटे तीन कितने लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है कितने प्रतिशत कितने लोगों का हस्ताक्षर कितने दिन पहले सूचित करना होगा यह भी बताइएगा ठीक है और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन निम्न में से किससे संबंधित है समान कार्य के लिए समान वेतन निम्न में से किससे संबंधित है रिप्लाई कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है समान कार्य के लिए समान वेतन निम्न में से किससे संबंधित है आप लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा बस दो कार्य कीजिए हमको मोटिवेशन मिल जाएगा अपने आप तो ऑप्शन कौन सा सही होता है यह सही है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किए गए राज्य के नीत निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में है तो अच्छा नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल किस आर्टिकल तक हैं छत्तीस से इक्यावन तक ठीक है अगर पूछा जाए भाग कौन सा है भाग कौन सा है भाग चार ठीक भाग चार छत्तीस से इक्यावन तक अगर आर्टिकल पूछा जाए समान कार्य के लिए समान वेतन तो आर्टिकल क्या है आप खूब पढ़े हैं कई बार आपको बताया गया है थर्टी नाइन घर्टी नाइन डी ठीक यह क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत यह है क्लियर है हाँ अच्छा ये मौलिक कर्तव्य किस भाग में है ये भी बता दीजिए जल्दी से मौलिक कर्तव्य किस भाग में है जल्दी से रिप्लाई कीजिए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है अधि मौलिक अधिकार नहीं पूछ रहे मौलिक कर्तव्य फोर का में ठीक है फोर ए में है मौलिक कर्तव्य क्लियर हुआ अच्छा एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस देश का नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है बताइए किस देश का नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है बहुत अच्छा 108 जितने लोगों ने बताया है आर्टिकल 108 यह क्या है संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है बुलाने का अधिकार किसके पास है ये भी बता दीजिए और अध्यक्षता का अधिकार किसके पास है अध्यक्षता का अधिकार दोनों रिप्लाई आपको करना है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार और अध्यक्षता का अधिकार दोनों बता दीजिएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नागरिक में किस आ, किस देश में नागरिक दोहरी नागरिकता का अधिकार प्राप्त है किसको तो ये है यूएसए को किसको प्राप्त है यूएसए को भारत में तो एकल नागरिकता है ठीक है आप देखिए जो हमने क्वेश्चन पूछा उसकी रिप्लाई क्या है बुलाने का अधिकार क्या है राष्ट्रपति को ठीक है अध्यक्षता बताइए लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ठीक है अच्छा ये बताइए कि भारत में कौन सी नागरिकता ली गई है एकल नागरिकता ठीक है भारत में कौन सी नागरिकता है एकल नागरिकता अब आप आपको बताना यह है वैसे तो आप क्वेश्चन हम क्या पूछने वाले हैं आप समझ भी गए होंगे अब आप, आप ये बता दीजिए एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है बताइए एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है आपको पता भी होगा हमें पता है लेकिन रिवीजन तो बहुत जरूरी है ना एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है आपको कमेंट करके बताना है डेविस कप का किस खेल से संबंधित है डेविस कप किस खेल से संबंधित है डेविस कप का संबंध किस खेल से है जल्दी से रिप्लाई डेविस कप किस खेल से संबंधित है हाँ, किससे है लॉन टेनिस से है ठीक है ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है डेविस का किससे है लॉन टेनिस से है ठीक है अच्छा हम आपसे और क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड एक आप सुने होंगे यूएस ओपन यूएस ओपन यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है बताइए यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन ये सब किससे संबंधित है आप जल्दी से ये भी बताइए यूएस ओपन चार ये सब हैं चैंपियनशिप ना यह किससे संबंधित हैं लॉन टेनिस ठीक है यूएस ओपन विंबलडन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किससे संबंधित है लॉन टेनिस से संबंधित हैं ठीक है ठेके? और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल ठीक पहला हो गया दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए रिवीजन बहुत जरूरी है और आपसे हम हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते रहेंगे पाकिस्तान का हॉकी हो गया यूएसए का क्या हो गया बताइए यूएसए का बेसबॉल ठीक और लास्ट है बता दीजिए चाइना का चाइना का राष्ट्रीय खेल ठीक हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है बताए गए थे आपको या हम खुद क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको रेमंड एफ दासमैन रेमंड एफ दासमैन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है ठीक है रेमंड एफ दासमैन इसी पुस्तक में इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था रेमंड एफ दासमैन ने डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इसी पुस्तक में इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रयोग किया था ठीक है हा अच्छा ये बताइए Uh, कि आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक कौन है अर्थशास्त्र के जनक ठीक है पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के जनक दूसरा क्वेश्चन अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है बताइए अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें और दूसरा क्वेश्चन वो हो अर्थशास्त्र के जनक हम पूछ रहे हैं पहले ये बताइए और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है दोनों आपको बताना है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है वन्य जीव अभयारण्य क्या है वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों के व्यवसायीकरण के लिए आरक्षित क्षेत्र या ऑप्शन सी पढ़ लीजिए तब तक हम ये रिप्लाई कर दें कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है चाणक्य कौटिल्य ठीक है हाँ चाणक्य की कहिए या कौटिल्य की कहिए ठीक है ठेके? और दूसरा क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन अर्थशास्त्र के लेखक कौन एडम स्मिथ ठीक अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है तो वन्य जीव अभियारण्य क्या है बताइए वन्य प्राणियों या वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन ए वालों की रिप्लाई सही है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत जिन हानिकारक विकिरणों से जीवमंडल की रक्षा करती है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए ओजोन परत जिन हानिकारक विकिरणों से जीवमंडल की रक्षा करती है उन्हें क्या कहा जाता है किससे रक्षा करती है यह यूवी रेज ठीक अल्ट्रा वायलेट किरणों से ठीक है या कहाँ अच्छा यह बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है पहला क्वेश्चन यह है अच्छा यह बताइए कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछते हैं आपको यह सब ओवर तो नहीं लगता कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते जाए हमने पूछा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है समताप मंडल में ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है हाँ डाबसन ठीक है तीसरा क्वेश्चन यह है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है ओजोन डे कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी यह भी बता दीजिएगा सन और पहले तो डे बताइए तीन चीज है चौदह सितंबर पंद्रह सितंबर सोलह सितंबर चौदह सितंबर को हिंदी दिवस ठीक पंद्रह सितंबर को इंजीनियर्स डे सोलह सितंबर को ओजोन डे 16 सितंबर उन्नीस को यह शुरू किया गया था ठीक है उन्नीस सौ उन्नीस सौ सत्तासी ठीक है चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक टिम्बर उत्पादन उत्पादक देश कौन सा है विश्व में सर्वाधिक टिम्बर उत्पादक देश रिप्लाई कीजिए विश्व में सर्वाधिक टिम्बर उत्पादक देश यूएसए यूएसए ऑप्शन डी सही होता है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल है रिप्लाई कीजिए। किस हाँ। ऊर्जा उर, का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल है तो ये कौन सा हो गया हाइड्रोजन उत्पन्न पवन ऊर्जा ऊर्जा ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं आप समझदार हैं सब समझते हैं ठीक है नहीं सौर ऊर्जा ही नहीं भाई हाइड्रोजन सबसे वो वो है ठीक है हाइड्रोजन ऊर्जा पवन ऊर्जा ये सब एकदम प्रदूषण बहुत कम बहुत न के बराबर होता है वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है ये बताइए वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है आपके पेट में ये क्वेश्चन आ गया था देखिए तो क्वेश्चन कहीं से और बन के नहीं आएंगे ना कभी आते हैं ना कभी आएंगे सारे क्वेश्चन यहीं के हैं अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब आप आपको बहुत वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित है दुग्ध या डेरी उत्पादन से या फिर उसको क्या कहा जाता है श्वेत क्रांति ठीक है श्वेत क्रांति दुग्ध या डेरी उत्पादन से आपको यह बताना है कि ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है बाढ़ से या धान उत्पादन से दुग्ध उत्पादन से या फिर मक्का आप्रेशन, से से। आप्रेशन, उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बताइए जल्दी से ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड ठीक है अच्छा बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है चारों आपसे पूछ ले रहे हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है जल्दी से रिप्लाई कीजिए नीली क्रांति किससे संबंधित है मत्स्य उत्पादन ठीक है मत्स्य उत्पादन फिर पीली क्रांति तिलहन ठीक है पीली क्रांति तिलहन ठीक है हरित क्रांति अच्छा ये बताइए हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन आप बहुत आसान है इसलिए पूछना जरूरी है नहीं है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन बस ये आप बता दीजिए कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर किस अनाज पर सबसे अत्यधिक पड़ा था अब बताइए हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे अत्यधिक पड़ा था सबसे ज्यादा किस पर पड़ा था ये बताइए जल्दी से रिप्लाई गेहूं पर ठीक है किस पर पड़ा था गेहूं पर सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर हाँ चावल पर पड़ा था लेकिन उससे भी ज्यादा गेहूं पर ऑप्शन में अगर गेहूं रहेगा तो आप गेहूं लगाएंगे ठीक है ये हो गया और आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी राष्ट्रीय डेयरी 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 अनुसंधान संस्थान यह कहां है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कहा है? डेरी संस्थान, है? डेरी संस्थान. कहां है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताइए कहां है करनाल हरियाणा ठीक है कहां है करनाल हरियाणा अब एक क्वेश्चन और बताएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे चावल अनुसंधान संस्थान चावल अनुसंधान संस्थान कहां है आप बताते रहिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चावल अनुसंधान संस्थान ठीक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लाई कीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हा चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा कटक उड़ीसा अब आइए नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 में सतत पोषणीय विकास के लिए किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया था या लिया बताइए किस वर्ष तक 2030 तक ठीक है 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है वर्ष दो तक क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां हा निम्नलिखित राज्यों में कौन सा ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया बताइए जल्दी से अच्छा टिम्बर टिम्बर भाई एक प्रकार की लकड़ी होती है इसको लकड़ी का ही एक लकड़ी का एक, एक ही प्रकार एक प्रकार है इसका इमारत जिससे बनती है ना इमारत से ज़्यादा बनती है इमारती लकड़ी ठीक है हाँ हाँ टिम्बर वही है कोई धातु नहीं है इमारती लकड़ी है इमारती नहीं इमारती वाली मतलब इमारत जिससे बनती है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आ, कौन सा राज्य जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया ऐसा कौन सा राज्य है ठीक है ऐसा कौन सा राज्य है चलिए एकदम सही है नई दिल्ली ठीक है नई दिल्ली बता रहे हैं नहीं देखिए सुरेश प्रभु ने यहां दिल्ली से रिमोट कंट्रोल्स के जरिए ये इसका उद्घाटन किया था लेकिन यह कहाँ कौन सा राज्य है ऐसा पहला भारत का पहला रेल ट्रैक कहाँ हाँ गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत की थी और यह कौन सा है गुजरात ठीक है आपको पता है कि पहली सी प्लेन सेवा पहली सी प्लेन फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में याद है हमने आपको कराया था फिर पीपीपी मॉडल वाला गुजरात ठीक है ये भी सही है हाँ संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है पीपीपी मॉडल है भाई पीपीपी मॉडल पीपी अच्छा मर्दा देते हैं अभी नहीं तो आप पीपीपीपी पी पी आप जैसे हॉर्न बजा रहे हैं पीपीपी मॉडल क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझ गए आप पी 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 मॉडल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है कौन सा है पामीर का पठार पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है ठीक है अच्छा ये बताइए हम आपसे पूछते हैं कि पामीर का पठार किस उसमें महाद्वीप महाद्वीप में है ये बताइए एशिया ठीक अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका चार ऑप्शन दे दिए हैं आप पामीर का पठार कहाँ है एशिया में ठीक है पामीर का पठार कहाँ है एशिया क्लियर है हाँ अच्छा ये बताइए कि एंडीज एंडीज पर्वत चोटी आप जानते हैं ना एंडीज पर्वत चोटी यह क्या है बताइए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज ठीक अब आपको यह बताना है कि यह साउथ अमेरिका में है या नॉर्थ अमेरिका में है आप कमेंट करके बताएंगे ठीक आइए अच्छा ये बताइए कि हिमालय कौन सा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत है या वलित पर्वत है हाँ एकदम सही है एंडीज कहाँ है आपको बताना है जल्दी से और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे देखते हैं कौन कौन बताता है और किसकी रिप्लाई सही होती है आप बताइए जल्दी से कि क्या पूछे हम हाँ हिमालय क्या है वलित पर्वत ठीक है एक क्वेश्चन और है एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये हम करीब सौ बार पूछ चुके होंगे और हमेशा पूछते रहेंगे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रेणी कौन सी है विंध्य पर्वत श्रेणी ठीक है विंध्य पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वत श्रेणी ठीक अब एक क्वेश्चन और बताइए जल्दी से आपको बताना यह है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है चलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए रिवीजन तो बहुत जरूरी है ना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी रिप्लाई करते रहिए फिर जो रिप्लाई कर चुका है क्वेश्चन देखे तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अब आइए नेक्स्ट पर पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है तो ऑप्शन कौन सा ही होता है देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है पहला तो रिप्लाई आपको ये करना है सूर्य के सबसे नजदीक कौन है बुद्ध और सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है मान लीजिए ये हो गया सूर्य आपका पृथ्वी बुद्ध शुक्र फिर पृथ्वी तो कौन सा स्थान है तीसरा स्थान है ठीक है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है तीसरा है क्लियर और तीन सौ पैंसठ सही एक बटे चार दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा एक परिक्रमा पूरा करती है उसके अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने घंटे में लगते हैं 24 घंटे में उसकी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने घंटे में लगते हैं 24 घंटे में लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तीन सौ पैंसठ सही एक बटे चार दिन में जिसके कारण दिन और रात होते हैं किसके कारण अपने अक्ष पर घूमने के कारण 24 घंटे के कारण दिन और रात होते हैं लेकिन पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है इसके कारण मौसम बदलते हैं ठीक है पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की इसकी कक्षा के तल पर लंबवत है इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है ठीक है क्लियर हुआ हाँ ठीक समझ में आया कि नहीं आया अब बताइए पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक किस दिन होती है डेट बताइए जल्दी से पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस डेट को होती है अभी हाल ही में आप नजदीक और दूर का देख चुके हैं बताइए डेट को होती है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है सूर्य के नजदीक होना मतलब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ना सबसे ज्यादा गर्मी कब कब चार जुलाई ठीक है या सबसे नजदीक ठीक है हाँ और पृथ्वी सबसे दूर कब होती है तीन जनवरी क्लियर हुआ चार जुलाई सबसे पास तीन जनवरी सबसे दूर ठीक है अब बस आपको यह बताना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है उपसौर या अपसौर उल्टा बता रहे हैं रिप्लाई कीजिए हाँ चलिए अच्छा हाँ 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 आप समझ सकते हैं सही सही है तो ये बताइए कि उपसौर कब होता है उपसौर कब होता है सूर्य से सबसे नजदीक होता है तो उसे उप कहते हैं और उप कब होता है तीन जनवरी ठीक <laughs> हाँ वह स्थान जहां से सूर्य सबसे नजदीक होता है उसे उप कहते हैं क्लियर है उप की स्थिति तीन जनवरी सबसे नजदीक तीन जनवरी इसको कहते हैं उप सौर और सबसे दूर चार जुलाई इसको कहते हैं क्या अपसौर हाँ चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाने में ये होता है कि चिल्ला आपको सुनाई भी दे और समझ में आए इसमें ही डिस्टर्ब हो जाता है समझ में आया हाँ सबसे नजदीक जब होगा तो तीन जनवरी और आपने अभी जल्दी में ही यह इसको महसूस भी किया सबसे नजदीक थी कि नहीं थी तीन जनवरी यह कहते हैं उपसौर और अपसौर चार जुलाई ठीक है चलिए नेक्स्ट <laughs> है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 हजार पांच के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए अब बताइए पर्यावरण अध्ययन का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य हाँ अब सही हुआ बहुत सही <laughs> चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय की रूपरेखा दो हज़ार पाँच के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन कौन सा सही होता है देखिए राष्ट्रीय की रूपरेखा दो हज़ार पाँच के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के, के बाहर के जीवन से जोड़ना है ठीक है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है ऑप्शन सी रिप्लाई सही होती है ठीक है हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है रिप्लाई कीजिए जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सा कीट देखिए तीस क्वेश्चन हमने सीडीपी के कराए और तीस क्वेश्चन हिंदी के अब तीस हम इसको भी पूरा कर दें तब बंद करेंगे जितने लोग कह रहे हैं सर बस कीजिए बस कीजिए तीस इसको भी पूरा करते हैं और जल्दी ही पूरा होने वाला है बस थोड़ा थोड़ा देर वेट कर लीजिए अपना ज्ञान और बढ़ा लीजिए मधुमक्खियों की तरह भाती कालोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है अब ये बताइए कौन सा नहीं रहता है मकड़ी आरेकनी का जीव है ठीक है मकड़ी ये किस वर्ग का है या किस वर्ग का है अरेक नीरा अरे वर्ग का यह जीव है ठीक है जो मधुमक्खियों की भांति कालोनी में एक साथ नहीं रहता है मकड़ी ठीक है यह देखेंगे आप एक जाला बुनती हैं अकेले वहीं चाहे खूब बड़ा छोटा जाला हो चाहे खूब बड़ा हो अकेले यही बीच में जिससे रहता है कि यही पूरा घर इन्हीं का है हम लोगों वाला चलिए हाँ, उनका घर तो उनका रहता ही अकेले रहती हैं या झुंड में नहीं रहती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है रिप्लाई कीजिए जल्दी से सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल तो ऑप्शन कौन सा सही होता है यह देखिए एम ये, 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 पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सेव ग्रीन स्टेट जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है ठीक है इसका उद्देश्य क्या है हरियाली संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण को शुद्ध शुद्ध करना बीजक किसकी रचना है बीजक किसकी रचना है यह तो हमने हिंदी में पहले ही पूछ लिया कि साखी सबद रामायणी इन तीनों का शीर्षक एक होता है तो उसे क्या कहते हैं बीजक ठीक है किसकी रचना है कबीरदास की ठीक है अच्छा ये बताइए कि कबीरदास हम आपको ऑप्शन देते हैं राम भक्ति शाखा के थे या कृष्ण भक्ति शाखा के थे या निर्गुण काव्य धारा के थे आ, या फिर आ, कोई नहीं चार ऑप्शन दिए हैं आपको बताइए कबीरदास किस धारा के थे किस भक्ति शाखा के थे कबीर दास बताइए रिप्लाई कीजिए किसके थे किसी के नहीं ऑप्शन तो निर्गुण ठीक है निर्गुण क्लियर हाँ हाँ अच्छा ये बताइए आपको ये बताना है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है महाभारत का अन्य नाम संहिता अब आपको हम थोड़ा सा क्ल्यू दिए हैं संहिता कौन सी संहिता है महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको फिर दूसरा ये बताना है कि किसने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया है फारसी भाषा में इसी वजह से हमने महाभारत को लाया है जय संहिता ठीक है महाभारत को और क्या कहा जाता है जय संहिता जय संहिता और महाभारत को हमने क्यों यहाँ लाया बस ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि महाभारत या जय संहिता को हाँ महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था और उसका नाम क्या था महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया और कर करने के बाद उसका नाम क्या रखा आप आके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको एक जगह नहीं हर जगह घुमाते रहेंगे आइए बताइए जल्दी से किसने किया था हाँ अब्दुल कादिर बदायूनी ठीक है अब्दुल कादिर बदायूनी चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है तो आपको पता होगा जरूर से जरूर कि जब हम हड़प्पा दिए हैं तो हम जरूर पूछेंगे मोहन जोदड़ो हम जरूर पूछेंगे काली बंगा काली बंगा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड हम जरूर पूछेंगे लोथल तीन क्वेश्चन और पूछेंगे चौथा यहां है ही हड़प्पा किस नदी के किनारे है बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है हड़प्पा हाँ रावी नदी के किनारे अवस्थित प्राचीन नगर था हड़प्पा जिसकी खोज किसने की थी बताइए हड़प्पा की खोज किसने की थी रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने वो भी कब 1921 में मोहन में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी आर डी बनर्जी राखल दास बनर्जी कब की थी 1922 में ठीक है आर डी बनर्जी अब ये बताना है आपको कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था जल्दी से रिप्लाई कीजिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हड़प्पा तो आपने बता दिया रावी मोहन जोधड़ो बताइए किस नदी के किनारे बताइए रिप्लाई कीजिए रिप्लाई कीजिए और जितने लोग लाइक ना किए हों लाइक और शेयर भी कर दीजिए बहुत इतना तेज बोलने के चक्कर में इतना अच्छा पढ़ाने के चक्कर में देखिए गलत भी पढ़ा दे रहे हैं का आप लोग इतना तेज हैं कि पकड़ लेते हैं सही है अब बताइए मोहनजोदौड़ किस नदी के किनारे जल्दी से रिप्लाई कीजिए हाँ हड़प्पा रावी नदी के किनारे मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और लोथल किस नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे अब आपको यह बताना है चौथा कालीबंगा किस नदी के किनारे कालीबंगा किस नदी के किनारे रिप्लाई कीजिए काली किस नदी किनारे घग्घर नदी के किनारे ठीक लोथल भोगवा नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ये तो हम आपको देखें कि क्या बताते हैं फिर हड़प्पा रावी नदी सही हुआ ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम सभा के कार्य है निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं ये देख लीजिए इतिहास से निकलिए <laughs> रिप्लाई कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम सभा का है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है रिप्लाई ऑप्शन जल्दी से रिप्लाई कीजिए देखिए ग्राम सभा एक निगमित निकाय है जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में हैं पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना ठीक है ये भी है फिर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना ये है फिर आता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना ये भी है सामाजिक अंकेक्षण करना ये है तो ये सारे हैं तो एक दो तीन चार जिसमें होंगे उपयुक्त सभी ठीक है ऑप्शन डी रिप्लाई सही हो जाती है आइए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस सी ओ टू चलिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें पौधे हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई सी ओ टू सूर्य का प्रकाश वायु से सी ओ टू और यहाँ से जल पृथ्वी के अंदर से जल ठीक है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं ठीक है आवश्यक गैस क्या है सीओ टू हुआ सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी के अंदर से जल लेकर यह किसका निर्माण करते हैं सी ओ टू से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और बाय प्रोडक्ट क्या देते हैं ऑक्सीजन ठीक हाँ क्लियर हुआ आई वर्षा के होने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है वर्षा के होने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है बताइए वर्षा के वर्षा होने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है देखिए शोधन की वाष्पीकरण की संघनन की वाष्पीकरण और संघनन दोनों की तो ऑप्शन कौन सा सही होता है वर्षा होने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है वाष्पीकरण तथा संघनन की होती है ठीक है देखिए तालाब है तालाब से वाष्पित होकर जल ऊपर गया ऊपर होने के बाद क्या होता है वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा जल के परिसंचरण और पुनर्वितरण की प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है ये आप जानते हैं तो जल चक्र यही है वाष्पित होना संघनित होना वाष्पित होना जल चक्र यही ठीक है क्लियर हाँ सही है अच्छा ये बताइए आपको ये बताना है कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी किस जगह से मिली थी कहाँ से अच्छा मोहन के घर से सब लोग बस मोहन मोहन लिख रहे हैं मोहन जोदड़ो ठीक है कहां से मोहन जोदड़ो क्लियर और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये बताना है आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख पहली बार मिला है किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए किससे 81 आर्टिकल कौन सा है 81 है ठीक है हाँ अगर पूछा जाए संसद संसद का आर्टिकल कौन सा है 79 ठीक है हाँ. और राज्यसभा का क्या है 80 ठीक है यह आर्टिकल संसद राज्यसभा लोकसभा क्लियर हुआ चलिए एक आपको अब ये बताना है कि जल्दी से बताइए हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट प्रदान की गई है किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट प्रदान की गई है जल्दी रिप्लाई आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल रिप्लाई कीजिए आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल थर्टी टू है कितने प्रकार के रिट? पांच प्रकार के रिट। हाई कोर्ट के द्वारा किस आर्टिकल में टू टू सिक्स ठीक है हाँ चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता इन दोनों में समझौता कब हुआ था रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता कब हुआ था 1916 में कब हुआ था 1916 में। इसको क्या कहते हैं? अच्छा किस अधिवेशन में लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में अब आपको यह बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी अध्यक्षता किसने की थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी इसकी इसकी अध्यक्षता किसने की थी मजूमदार लखनऊ अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता मजूमदार ठीक आपको यह बताने क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था सन बता दीजिए जल्दी से क्रिप्स मिशन है एक कैबिनेट मिशन है कंफ्यूज ना होइएगा क्रिप्स मिशन पहले बताइए पहले क्रिप्स मिशन आया था कब 1942 ठीक है और अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कब 1946 ठीक है हाँ 1946 कैबिनेट मिशन चलिए आप औ ये बताइए जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी ठीक कब की गई थी 1943 में पहले क्रिप्स मिशन फिर 1943 फिर उसके बाद अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब 1942 सौ जल्दी से एक रिप्लाई और करेंगे आप हाँ भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसका बांस बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जल्दी से रिप्लाई कीजिए भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बहुत सही बहुत अच्छी रिप्लाई है बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है असम ठीक अगर पूछा जाए तंबाकू का बताइए तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बहुत सही ये भी सही आंध्र प्रदेश अच्छा लग रहा है कि आपका सही हो रहा है आप क्वेश्चन आपके आंसर सही हो रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है हाँ बस एक रिप्लाई और कीजिए जल्दी से कि कॉफी किस राज्य में कॉफी किस राज्य में कॉफी कहाँ आ, सही है चलिए कॉफी कर्नाटक हो गया ना एकदम 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 सही है आप अब ये बताएंगे जल्दी से रिप्लाई फास्ट कीजिएगा चलिए अच्छी बात है आपको ये बताना है कि ये जो आसमान का नीला रंग दिखाई देता है किसकी वजह से दिखाई देता है आसमान का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है पहला क्वेश्चन नीला दिखाई देता है वजह क्या है इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है अपवर्तन परावर्तन विच्छेपण ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या होता है उसका वजह क्या है प्रकीरण क्या है प्रकाश का हाँ प्रकीर्णन है प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है किस रंग की लाल की ठीक है चलिए रेड की होती है लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए पहली बात तो आपको क्या आना चाहिए और दूसरी बात एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है डायोप्टर। किस में आपी जाती है डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है ठीक चलिए एकदम सही है हाँ अच्छा ये बताना है आपको कि ये जो प्याज काटने और छीलने पर आंखों में पानी आता है किसकी वजह से रिप्लाई कीजिए प्याज काटने और छीलने पर आंखों में पानी आता है वजह क्या रहती है किसकी वजह से विचित्र मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग टॉपिक से किसकी वजह से पोटेशियम बता रहे हैं जो कि गलत है सल्फर ठीक है सल्फर जितने लोग बताए हैं बहुत अच्छी रिप्लाई है सही भी है सल्फर सही है ठीक है अब जीव विज्ञान के जनक कौन है जीव विज्ञान के जनक कौन है बताइए जल्दी से जीव विज्ञान के जनक कौन है अरस्तु अरस्तु है जीव विज्ञान के जनक ठीक है अच्छा एक और क्वेश्चन बताएंगे कि तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी कौन सी सभा है तत्व बोधनी बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी करवा रहे हैं और अगर नहीं आ रहा है तो वो भी आ जाएगा तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी और पूछा जाएगा कब की थी बताइए अठारह में इसके पहले एक सभा की एक समाज की स्थापना और की गई थी उसका नाम क्या था ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा अगर पूछा जाए कब 1928 में ठीक है अच्छा कुछ लोग आत्माराम पांडुरंग बता रहे हैं एकदम गलत है भाई आत्माराम पांडुरंग गलत है जो लोग आत्माराम बता रहे हैं हाँ। चलिए एकदम सही क्लियर हुआ सभा सभा भी था हाँ अच्छा ये बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी ये भी पूछ लेते हैं स्वराज पार्टी स्वरा, स्वराज स्वराज्य पार्टी अब बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी उन्नीस जल्दी से आपकी रिप्लाई अभी देखे नहीं है तो कैसे हम लिख दें 1928 लिख भी रहे हैं गलत है स्वराज पार्टी 1923, ठीक है किसके किसके द्वारा मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास जी के द्वारा इसके अध्यक्ष कौन थे चित्रंजन दास जी थे ठीक है मोतीलाल नेहरू महासचिव चलिए अच्छी बात है हाँ अब एक क्वेश्चन और बताइए कि यक्षगान कहाँ का, का लोक नृत्य है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है अच्छा हमने ब्रह्म समाज के कितना उन्नीस सौ अट्ठाईस बताया क्या गो हो सॉरी 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 अट्ठारह सौ अट्ठाइस है अट्ठारह सौ अट्ठाइस है ब्रह्म समाज वो राजा राम मोहन राय वाला ठीक है कोई बात नहीं अट्ठारह सौ अट्ठाईस में सबसे पहले ब्रह्म समाज फिर अट्ठारह सौ उनतालीस में तत्वबोधनी सभा फिर उसके बाद अट्ठारह सौ छाछठ में ये देवबंद स्कूल फिर आर्य समाज की स्थापना अट्ठारह सौ पचहत्तर में सबसे पहले ब्रह्म समाज की ही स्थापना हुई थी अट्ठारह सौ जगह उन्नीस सौ हो गए कोई बात नहीं लेकिन है 1828 चलिए यह चलिए यक्षगान कहां का है कर्नाटक ठीक है कहां का है कर्नाटक का है क्लियर हुआ यक्षगान कहां का है कर्नाटक का ठीक है अच्छा तमाशा कहां का है तमाशा बताइए तमाशा कहां का है हाँ हमने आपको चार बता दी ना ये सबसे पहले तो हो गया क्या ब्रह्म समाज हाँ ब्रह्म समाज फिर अट्ठारह में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फिर देवबंद स्कूल अट्ठारह में फिर आर्य समाज अट्ठारह में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या पूछें हम तमाशा कहाँ का है महाराष्ट्र का ठीक है एक होता है नटका यह कहाँ का है नटका यह भी महाराष्ट्र का ही है ठीक है भूलिएगा नहीं तमाशा हो गया नटका हो गया फिर लावड़ी ए... ये कहां का है वहीं का है ठीक है हां सही है अच्छा ये बताइए राउफ कहां का है राउफ राउफ नृत्य कहां का है चलिए राव बता दीजिए फिर आपसे हम एच डब्लू दे, दे देते हैं पांच क्वेश्चन उसके बाद आपको यहां नहीं बताना आपको एच डब्ल्यू देंगे वही आप बताइएगा चलिए पहला क्वेश्चन है एच डब्ल्यू का उठस डिस्पैच चार्ल्स उठ्स डिस्पैच उठस डिस्पैच इस आयोग का गठन हुआ था ना उठ्स डिस्पैच कब आया था पहला क्वेश्चन है कब दूसरा है किसके समय किसके शासनकाल में ठीक है पहला हो गया फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर पूछें दूसरा क्वेश्चन है कि सार्क यस ए आर सी सार्क का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसका मुख्यालय आपको बताना है मुख्यालय ठीक है फिर तीसरा क्वेश्चन ये है तीसरा क्वेश्चन डब्ल्यू का मुख्यालय ठीक है डब्लू का मुख्यालय फिर तीन क्वेश्चन हो गए चौथा क्वेश्चन पांच क्वेश्चन हमने बोला है आपको एच देने के लिए चौथा क्वेश्चन है कि हरियक वंश हरिय वंश की स्थापना किसने की है ठीक है हरियक वंश के संस्थापक कौन है चौथा क्वेश्चन हो गया फिर पांचवा क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन ये है कि हाँ निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बताइए ये पांच क्वेश्चन जो हम अभी पूछे हैं यह आपका एच डब्ल्यू है देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करता है ठीक है यहाँ नहीं ठीक है बता रहे हैं कोई बात नहीं हम तो देखेंगे नहीं आपको रिप्लाई करना है कहाँ कमेंट बॉक्स में नीचे 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 जब वीडियो ख़त्म होगी तब ठीक है अब होती है आपकी क्लास ओवर आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी अच्छा लगा कि नहीं लगा मजा आया कि नहीं आया और सारे क्वेश्चन या आपका कुछ रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ और एक बात और है कि आप लोग हिम्मत ना हारिए। जैसे आप जहां आज हैं जो लाया है वहीं आगे वही पर्सन आगे भी ले जाएगा वही आगे आपको ले जाएगा जहां आप हैं आज ठीक है हाँ हिम्मत नहीं हारना है और खुद पर विश्वास रखिए खुद के सामर्थ्य पर विश्वास रखिए डरना भी नहीं है ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को थैंक यू आप लोग देखिए हाँ कोई बात नहीं आप सफल होंगे सक्सेस होंगे सफल होंगे बस चाहे जैसे चाहे जिस समय चाहे जैसे देखिए संघर्ष का फल जो होता है वह ख़त्म नहीं होता वह मिलता ज़रूर है संघर्ष करते रहिए और जब संघर्ष के बाद कुछ चीज़ मिलती है ना तो बहुत मीठी होती है बहुत सुखदायक होती है चलिए फिर आप लोग मोटिवेट रहिए पॉजिटिव रहिए पढ़ाई ना छोड़िएगा कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम देना होगा तो आपका जो माइंड में ज्ञान सेट रहेगा ना वही काम देगा एग्ज़ाम में नहीं तो आज नहीं एक साल बाद अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा और अगर आप आज से पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में बैठ कर भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो देखिए विकल्प नहीं है आप कहा जाता है ना कि संकल्प है तो विकल्प कैसा और विकल्प है तो संकल्प कैसा है कि नहीं जब विकल्प है आपके पास तो संकल्प कैसा और जब संकल्प है तो विकल्प कैसा हमें जब संकल्प हम ले लिए हैं तो हमारे पास विकल्प ही नहीं हमें वो बनना है तो बनना है ठीक दोनों आप अपने माइंड में सेट कीजिए आप किस में हैं संकल्प किए हैं कि विकल्प लेकर चल रहे हैं ठीक है हाँ जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है जब आपके संघर्ष के दिन आए तो उसमें आप अपने साहस को ना खोइए हिम्मत को ना खोइए बस मिलेगा आपको जिस लायक आप हैं जो आप करना चाहते हैं जैसे आपकी ये मेहनत रहेगी वह आपको मिलेगा कोई छीन नहीं सकता हाँ लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा हाँ बात सही एकदम सही है आप लोग बहुत समझदार हैं किसी के आगे रोने से खुद रोने से कोई फायदा नहीं है और हम तो इसका नाम भी नहीं लेंगे कि कोई गलत कदम उठाए इतने समझदार हैं हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए है, पढ़ते रहिए हारिए नहीं गलत कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है उसका नाम भी ना सोचिएगा अपने मन में लाइएगा भी नहीं जीवन बहुत बड़ा है बहुत छोटा नहीं है बहुत बड़ा है और बहुत सारी विकल्प हैं जब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है तो सब कुछ ख़त्म कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है ठीक है तो बस आप लोग खुद समझदार हैं हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं और ऐसे ही रहिए बने रहिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए और कुछ लोग बोले हैं कि सर मैम क्लास बंद ना कीजिएगा बंद करके करेंगे क्या हमने तो हम जब खुद बोल रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए कभी भी काम आएगा आपका तो ये ज्ञान काम आएगा पढ़ाई काम आएगी चाहे आज एग्ज़ाम हो चाहे दो साल बाद एग्ज़ाम हो बल्कि दो साल बाद एग्ज़ाम होगा तो आपको और पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई काम आएगी इसलिए काहे क्लास बंद होगी और काहे आप डीमोटिवेट हों मोटिवेटेड रहिए एकदम बस ठीक है बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है आपको आप बहुत अच्छे हैं बहुत समझदार हैं ठीक है मैथ हम मैथ करते हैं शुरू करते हैं वैसे तो कभी कभी जैसे कि आज वफरिंग का डर था इसलिए मैथ नहीं शुरू करें मैथ हम शुरू करेंगे चिंता ना कीजिएगा नहीं पढ़ना ना छोड़िए पढ़ना ना छोड़िए मैथ और करंट की भी क्लास करंट तो करंट में ही काम आता है लेकिन ठीक है लाएंगे सबसे बड़ी बात है आप अपने खुद पर विश्वास रखिए और जहां से जुड़े हैं हमसे जुड़े हैं तो हम पर विश्वास रखिए और कोई साथ दे या ना दे लेकिन आप आपका आप अपना साथ खुद होना चाहिए तो खुद पर विश्वास रखिए खुद के सामर्थ्य पर विश्वास रखिए कमेंट देख रहे हैं सभी के कमेंट देख रहे हैं बात करना है हम तो लास्ट में बात कर ही लेते हैं हाँ बारिश भी हो रही है हर जगह बारिश हो रही है बारिश की वजह से नेटवर्क भी प्रॉब्लम है कल भी देखिए क्लास रात वाली क्लास भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वैसे आज शायद ठीक है क्योंकि अभी तक बफरिंग नहीं किया है ना अभी तक क्लास में बर्फी नहीं बना तभी सभी लोग रो रहे हैं कोई बात नहीं आप लोग पढ़ाई कीजिए रुकिए नहीं पढ़ते रहिए लाइव क्लास का टाइम पहले तो आप टेलीग्राम देखिए ऊपर टेलीग्राम का लिंक है ज्वाइन कर लीजिए इसमें सब कुछ मिल जाएगा और लाइव क्लास का टाइम है सुबह दस बजे दोपहर दो बजे फिर रात में दस बजे दस बजे रात ठीक है तीन क्लासेस की टाइमिंग है वैसे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पॉजिटिव रहिए मोटिवेट रहिए खुश रहिए मस्त रहिए देखिए कि कहा गया है कि कोई किसी का भाग्य नहीं ले लेता है, है कि नहीं और आप ये भी जानते हैं भाग्य हमने वर्ड यूज़ किया है वैसे हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि आपके जीवन में जो आपको मिलने वाला है भाग्य का परसेंट कितना होता है एक परसेंट और नाइन्टी नाइन परसेंट क्या होता है आपका कर्म ठीक है तो ये जो होगा मिलेगा लेकिन कब मिलेगा जब आप इसको पूरा किए रहेंगे ठीक है भाग्य में है और बहुत अच्छे से है और लाइफ में अगर कुछ भी अगर गड़बड़ सिचुएशन आए तो आप ये समझिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कुछ अच्छा होने के लिए गड़बड़ हो रहा है चिंता ना कीजिएगा बस डरिएगा नहीं कभी कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा आगे होने वाला होता है इसलिए गलत होता है वही भगवान सब सबके हैं ना भगवान तो हमारे भी हैं आपके भी हैं जो टॉपर है उसके भी हैं जो फेलियर है उसके भी हैं और जो अच्छा कर रहे हैं उनके भी हैं तो भगवान सबके एक ही हैं इसलिए बस ये सोच के रखिए आप अपने माइंड में सोचिएगा कि कुछ अगर हो रहा है गलत तो आगे अच्छा होगा बस यही आपको सफलता तक जरूर ले जाएगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को थैंक यू जिसने कमेंट किया जिसका कमेंट हम ना देख पाए हों गुस्सा ना होइएगा ठीक है आजकल ये बड़ा चल रहा है लेकिन गुस्सा ना होइएगा कमेंट uh, देखते भी हैं और जरूरी है कि सबका कभी कभी दिख जाता है कभी कभी नहीं दिखता है दिख जाता है तो पढ़ लेते हैं ठीक है थैंक यू क्लास की टाइमिंग यही है फिर मिलेंगे